मैं पता है हम सब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं कभी कभार तुम ज्यादा काम कर लेते हो तुम थक जाते हो अब उस थकान को मिटाने के लिए तुम क्या करोगे मुझे पता है तुम में से नाइन्टी परसेंट लोगों का आंसर होगा नॉट यू टाइप हम सो जाएंगे और बाकी के बच्चे दस परसेंट लोगों का आंसर भाई हम तो गर्म पानी की तगारी में नहाएंगे बाबा रामदेव साथ आ जाओ बेटा ये देख आ, नहीं थक जाने पर हम सब सो ही जाते हैं पर क्या तुम्हें पता है जब तुम गहरी नींद में सो रहे होते हो तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट एक्टिव रहता है जो कि दिखाता है तुम्हें ड्रीम्स सपने ये शब्द जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं तुम्हें अक्सर गहरी नींद में ही सपने आते हैं तुम अपनी बॉडी को स्विच ऑफ करते हो एंड तुम एक ऐसी जगह पे आ जाते हो जहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है एग्जाम्पल के लिए तुम अपने पड़ोस की आंटी के यहाँ जाते हो वो आंटी तुम्हें खाने के लिए बिस्किट देती है वो बिस्किट खा के तुम मोटे हो जाते हो एंड फिर वो आंटी मकड़ी बन के तुम्हें खा जाती है ईस्ट और वेस्ट पड़ोस के बच्चे खाने में बेस्ट हाँ कुछ इसी टाइप के होते है सपने अब सबको अलग अलग सपने आते हैं उनकी एज या इमेजिनेशन के हिसाब से अब कोई पाँच साल के बच्चे को ऑफिस का तो सपना आएगा नहीं मिस्टर चीकू तुमने जी के साथ मीटिंग क्यों नहीं फिक्स करी? सर सॉरी सर, वो मम्मी ने लोरी सुना दी थी तो सो गया था मैं या किसी बीस या पच्चीस साल के बंदे को भूत का सपना तो आएगा नहीं डर जाओ मुझसे डर जाओ <laughs> बंटाए तुझसे ज्यादा डरावनी तो अपन की जिंदगी है भाई तू डिप्रेस है क्या <laughs> मेरी शक्ल देख के तुझे क्या लगता है यार लगता तो कुछ भी नहीं है एक काम कर का डर जा मुझसे तुम्हें सपने तुम तुम दिन दिन भर क्या करते हो उस हिसाब से आते हैं सपोज में तुम किसी लड़की से मिले तुम पूरा दिन उसके बारे में सोचते हो और रात में तुम्हें उसी का सपना आ जाता है अच्छा सपना या तुमने दिन भर किसी भूत या दादा की वीडियो देखी और रात में वही भूत या दादा तुम्हारे सपने में आ गया नहीं बुरा सपना बट ये ऐसे सपने होते हैं जिनके कैरेक्टर्स तुम रियल लाइफ में देख चुके हो बट कभी कभी तुम्हें इतने अजीब सपने आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता इस से शायद तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ जब तुम बुखार में सोते हो तुम्हें बहुत अजीब सपने आते हैं के लिए तुम और अमिताभ बच्चन दोस्त होते हो और तुम दोनों ने डायपर पहना होता है और तुम दोनों मिलके अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी की हमने अमिताभ बच्चन को देखा ना हमने जॉम्बी की पिक्चर देखी तो इस सपने का मतलब क्या है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ सपने होते ही अजीब यार हम लोग से उठने के बाद अक्सर हमारे सपने भूल जाते हैं या हमको 90% परसेंट सपना याद नहीं आता है तो क्या इसका मतलब हम सब गजनी पिक्चर के आमिर खान है क्या था वो सपना वो सपना क्या था आज साल कौन सा है मेरी चड्डी गीली क्यों है ये तुम्हारे दिमाग की वजह से होता है जो भी सपना तुम देखते हो तुम्हारे, ब्रेन को लगता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है इसलिए मेहनत से वो सपना डिलीट कर रहा है और तरफ जो हो जैसे उसी सपने को याद करने की कोशिश कर रहे हो <laughs> भाई बता देना वो सपना क्या था ये तू जा रही तेरे को बोला ना वो सपना तेरे लिए जरूरी नहीं है फिर वो परी कौन थी जो मेरे सपने में आई थी अरे वो तो मैं ये पिक्चर देख रहा था सो तू तो ऐसी कोई पिक्चर मत देखना जिसमें परी हो अच्छा फिर मैं ये शैतानी दानों की पिक्चर देखूंगा तुम लोग ने सुना होगा कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं सुबह के क्या भाई तू क्या दिन में खड़े खड़े सपने देखता है क्या भाई तू क्या उल्लू उल्लू है क्या उरुरु उरुरु <laughs> भाई लग गई ना तेरे को मिर्ची दो मिनट में सच बात बोलती तो दिन में कौन सपने देख सकता है

मगर फिर से क्यों पर ये क्या ये तो फिर से एक सपना था तुम फिर से उठते हो सेंटा से मिलते हो सेंटा से बचते हो सेंटा को मारते हो सेंटा से फिर से बचते हो और सेंटा को जैसे ही मारने जाते हो सेंटा फिर से बचके, फिर से से बच के तुम्हें मार देता है अरे <laughs> मगर फिर से क्यों भाई लेकिन ये भी एक सपना होता है ही ही ही, देख मैंने कितना सही समझाया है ठीक ही है ऐसा बोल देता ना ऐसे सपने जो आपको आपका फ्यूचर दिखाए चल मेरे साथ मैं बताता हूँ नहीं भाई तू बहुत पकाता है यार ये बोला ना चल तो मित्रों ये ऐसे सपने होते जो सिर्फ सत्रह ऐसी तैतीस परसेंट को ही आते हैं वैज्ञानिकों का कहना है की इसमें आप आपका भविष्य देख सकते हैं आपके सपने के माध्यम ऐसी तो मित्रों अगर आपको भी ऐसे सपने आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताए तुम दोनों भागो तो यहाँ ऐसी धन्यवाद मित्रों सब्सक्राइब करें साले ज्ञानी मैंने कभी भी ड्रीम एक्सपीरियंस नहीं किया और इसके अलावा मुझे ये दिला दो अभी नई हाउली में बिजी हो दिखता नहीं है और तुम्हें कोई वीडियो गेम नहीं मिलेगा ठीक है प्लीज अरे दिला दीजिए बच्चे को ए भाई तुम कौन हो और ये किस एंगल ऐसी तुम्हें बच्चा दिख रहा है ये पैट है मेरा किसको ही फर्क पड़ता है जी दिला दीजिए अब तो अमेजोन पे रिपब्लिक डे सेल भी आ रही है हाँ, हाँ तो आओ तुम्हारी किडनी बेच के दिला देता हूँ बड़ा प्यार आ रहा है ना अरे किडनी बेचने की क्या जरूरत है कैश करो है hey, क्या करो अरे कैश करो देखो भाई मुझे कुछ भी करते वरते नहीं आता है मुझसे दूर रहो ठीक है इधर आजा हाउली अरे मैं बताता हूँ कैश करो देते हर शॉपिंग पे एक्स्ट्रा कैश बैक भाई लेकिन तुम हो कौन और मैं कैसे यकीन कर लू अरे कैश करो में रतन टाटा ने भी फंड किया है अब ये रतन टाटा कौन है नहीं पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो देखो भाई नए नए कैरेक्टर मत डालो ठीक है मुझे वैसी चीजें याद नहीं रहती है कोई बात नहीं मैं बताता हूँ कैश करो देता है तुम्हें तीस परसेंट तक कैश बैक सारी डिस्काउंट वाली चीज पर यहाँ पे तुम्हें पंद्रह सौ भी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएगी इंक्लूडिंग एमेजॉन अजियो मिंत्रा एक्सेट्रा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ मैं स्किप कर रहा हूँ ये एड <laughs> मैंने स्किप कर दिया एड अरे स्किप करने से पहले ऐप को कैसे यूज करते हैं वो तो सीख लो ऐप को यूज करना बिल्कुल सिंपल है ऐप में किसी भी वेबसाइट को सर्च करो ऑरेंज बटन पे क्लिक करो और नॉर्मली अपनी शॉपिंग करो शॉपिंग होने के बाद तुम्हारा सारा कैशबैक माय अर्निंग सेक्शन में आ जाएगा जिसको तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो इसके साथ साथ अभी कैश का गिव अवे भी चल रहा रहे जिसमे पांच लकी विनर्स को अमेजोन के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे पांच सौ रूपये के गीवे के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन से आप को डाउनलोड करना है जिससे तुम्हें साइन अप बोनस में ₹25 मिलेंगे और अगर तुम ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर रहे हो तो साइन अप करते टाइम मेरा कोड टाइप 25 यूज करना मत भूलना साइन अप बोनस के लिए बस उसके बाद कुछ भी ऑर्डर करके उसे कैंसिल मत करना तो अभी जाके डाउनलोड करो मम्मा <laughs> <मा। laughs> बहुत देर से बोल रहा था साला तुम लोग आगे वीडियो देखो मैं इसकी बॉडी ठिकाने लगाता हूं तो ये कहानी है आज से दो साल पहले की जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था और मेरे बोर्ड्स चल रहे थे और मेरे बायोलॉजी के पेपर के एक दिन पहले की बात है बहुत ज्यादा टेंशन में था और आ, आ, उसके साथ साथ मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी थी खैर उस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे एग्जाम के लिए ना मुझे बस एक दिन का गैप मिला था और उस एक दिन में मुझे चार पन्ने पढ़ने थे जिसमें से दो पन्ने तो मैंने खोले भी नहीं थे सोलह घंटे लगातार पढ़ने के बाद रात में दो बजे मेरे दिमाग में आया सुबह पेपर आठ बजे दो घंटे सो लेता हूँ सुबह उठ के पढ़ लूंगा और मैं सोने चला जाता हूँ कुछ होता है उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है मैं सो रहा होता हूँ एंड मैं खुद को सोते हुए देख पा रहा होता हूँ खुद को छोड़ो मैं पूरे रूम को देख पा रहा होता हूँ मेरी आंखें बंद होने पर भी मैं खुद को सब जगह से देख पा रहा था इतना सब हो ही रहा होता है कि मेरी नजर मेरे रूम के कोने में पड़ती है वहाँ पर एक अजीब सी काली चीज छुपी हुई थी एंड धीरे धीरे वो काली चीज

चीज होती है जो तुम्हें बता देती है की हाँ भाई ये एक सपना है जैसे कोई एलियन लेकिन उस टाइम जो चीज हो रही थी ना वो इतनी डिटेल्ड थी मेरा कॉफी का कप भी वही था जहा मैंने सोने से पहले रखा था मेरी बहुत ज्यादा फट गई थी उस काली चीज से मैं सोच रहा था भाई ज्यादा पढ़ने से क्या भूत भूत दिखने लग जाते हैं क्या बट उसके बाद मेरी बॉडी में धीरे से जान आती है और मेरी एकदम से नींद खुलती है मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या बट उस टाइम मैंने उसे एक बुरा सपना समझ के इग्नोर किया क्योंकि अभी भी मेरा बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ था तो मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी एंड हाँ उसके बाद मुझे कभी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ पर तुम्हें पता है उस एक इंसिडेंट की वजह से मेरी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है ड्रीम्स को लेकर आई I मीन mean जितना तुम्हें पता है ड्रीम्स के बारे में वो कुछ भी नहीं है एंड शायद इसीलिए ड्रीम्स पर पूरा एक सब्जेक्ट बना के रखा है एनी थैंक्स फॉर वॉचिंग Uh, yo, मेरी फटे जा रही है क्योंकि अभी तीन पंद्रह पे मैं ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट एनीस इस वीडियो पे मैंने अपना स्लीप पैरालिसिस पे एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ पे क्योंकि वो चीज मैं इसमें डाल देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती बट कोई बात नहीं और हाँ कैश करो को भी डाउनलोड करना मत भूलना वो लोग फ्री का पैसा दे रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना कोड यूज कर लेना टाइप ट्वेंटी फाइव एंड गिव अवे का पार्ट बनना मत भूलना एंड इफ तुम्हें मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाने तो तुम डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम आ सकते हो सबके मैसेजेस देखता हूं यार ऑन तो यार और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मैं बोलता तो हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय